हेलो गाइस, मेरा नाम है चंचल और आप देख रहे हैं चंचल एक्सपेरिमेंट। तो आज की वीडियो में हम लेकर आए हुए हैं किट सोल्डरिंग मशीन गाइस, जो आप लोग बनाकर उसे यूज कर सकते हैं, घंटों का काम मिनटों में कर सकते हैं गाइस। काफी बेस्ट बनाकर दिखाएंगे आप लोगों को। आप लोग मैकेनिक हो तो गाइस आपके लिए बहुत अच्छी चीज है वो गाइस, जिसको कहिया रांगा चलाना नहीं आता है, जैसे कहिए से किसी को टांका लगाना नहीं आता है गाइस, तो उससे आप लोग बड़ी आसानी से उससे टांका लगा सकते हो। बिल्कुल ऑटोमेटिक की तरह वो काम करने वाली है मशीन गैस। वो काफी मस्त बनाकर दिखाएंगे आप लोगों को, क्योंकि आज हम आप लोगों को ऐसा प्रोडक्ट बनाकर दिखाएंगे, आपने यूट्यूब पर ऐसा प्रोडक्ट कहीं नहीं देखा होगा गैस। उसका नाम है गैस किट सोल्डरिंग मशीन गैस, जो आप लोग बनाकर उसे यूज कर सकते हो। तो गाइस बिना देरी किए हुए उसे बनाना करते हैं स्टार्ट। तो गाइस हमें एक ये प्लाई बोर्ड का टुकड़ा लेना है, आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा ले सकते हैं। गाइस हमने ये देख सकते हैं, ये प्लाई बोर्ड का टुकड़ा लिया हुआ है। यहाँ पर हम उस मशीन को सेट करने वाले हैं। तो गाइस देख सकते हैं, यहाँ पर हमने ये लिया हुआ है, ये कॉपर का पाइप है, ये आप ले सकते हैं। जहाँ पर आप लोग देखो फ्रिज बनता हो, एसी बनती हो गैस, वहाँ पर इसे आप लोग परचेस कर सकते हो। ये कॉपर वायर जो होता है, यानी कि कॉपर वायर होता है, उसी का ये पाइप है, ये कॉपर का पाइप है गैस, ये वहीं पर आप लोगों को मिल जाएगा जहाँ एसी फ्रिज की रिपेयरिंग होती है गैस। आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा ले सकते हो, फिलहाल गैस इतने का ही ज़रूरत पड़ता है यहाँ पर, तो हमने इसको यहाँ पर ले लिया है। तो गैस यहाँ पर हम शिकंजा से इसमें चपटा कर देते हैं, इसको पचका कर यहाँ पर। तो गैस एक हमें यहाँ एलिमेंट भी चाहिए, जो एलिमेंट ये देख सकते हैं गैस, ये 35 वाट का एलिमेंट है गैस, 35 वाट है ये। तो इसको हम यहाँ पर इसमें लगाएंगे, इसको हम कर लेते हैं ओपन। ये आपको इलेक्ट्रॉनिक की दुकान पर मिल जाएगा। तो गैस यहाँ पर इसको ऐसे नाप कर इसमें मार्क लगा लेना है, तब इसको हम शिकंजे से इसे चपटा करेंगे। तो गैस यहाँ पर हमें इतना लगाना है इसमें, तो यहाँ पर हमने एक मार्क यहाँ पर कर लेना है, एक मार्क गैस यहाँ हो गया और दूसरा यहाँ पर मार्क करना है, क्योंकि गैस यहाँ से इसको पचकाएंगे तो यहाँ तक के पचक कर सीधा होगा और यहाँ पर गैस इसको खुला रहना है। तो गैस यहाँ पर हमने इसको मार्क करके अब इसको हम शिकंजे से इसमें चपटा कर लेते हैं। तो देख सकते हैं गैस इसको हमने यहाँ पर चपटा कर लिया शिकंजे से। अब गैस हम इसको यहाँ पर इस एलिमेंट को, जो ये आयरन मशीन का एलिमेंट है गैस, जिसे कहिया बोलते हैं गैस, उसका ये एलिमेंट है, यहाँ पर हमें इसको टाइट कर देना है ऐसे, और यहाँ पर इसमें कोई कॉपर का वायर यहाँ पर टाइट से ऐंठ देना है। देख सकते हैं ये गैस पतला वायर लिया हुआ है, यहाँ पर ऐसे करके इसको लगा देना है, एकदम से इसे टाइट करके यहाँ पर लगाना है, ताकि हमारा एलिमेंट है वो अलग ना हो। यहाँ पर इसको हमने टाइट कर लिया है और अब हम इसको यहाँ पर ऐड देते हैं, ताकि ये हमारा अलग ना हो। इसको हमने यहाँ पर फिक्स कर लिया है गाइस। अब हमें एक पत्ती लेनी है गैस, देख सकते हैं ये एल्युमिनियम की पत्ती है गैस, आप लोहे की टीन की भी पत्ती ले सकते हैं। इसमें हम छोटे छोटे से पीस करके इसको इसमें होल कर लेते हैं। देख सकते हैं गैस यहाँ पर हमने इसमें कटिंग कर लिया है, एक छोटा पत्ती रखना है एक बड़ा, ताकि हम इसे यहाँ पर ऐसे सेट करके कस सकें गैस। ये आप लोगों को आगे चल के मालूम पड़ जाएगा ये हमने किस लिए छोटा बड़ा किया है गैस। यहाँ पर ऐसे करके नाप कर यहाँ पर रख कर इसको इसमें मार्क लगा देना है। यहाँ पर हमें एक छोटे छोटे से होल करने हैं, जो हम पेच की सहायता से इसमें टाइट कर सकें, और इसमें भी हम मार्क लगा लेंगे इसमें होल करके। देख सकते हैं गाइस यहाँ पर हमने छोटे छोटे से होल कर लिए हैं। अब हम इसको यहाँ पर ऐसे करके इसमें यहाँ फिक्स कर देते हैं पेच की सहायता से, यानी कि नट बोल्ट हमें लगाने हैं। ये आपके घर पे मिल जाएंगे, घर पे नहीं मिलेंगे गाइस ये आपके, तो आप इलेक्ट्रॉनिक की दुकान से ले सकते हो, जो स्विच वगैरह कसे जाते हैं,
सोच होती है, छिटकनी होती है, वो कसी जाती है, इसी पेज से कसी जाती है गाइस। तो हमें यहाँ पर ऐसे करके इसमें बोल्ट लगा देने हैं और इधर भी हमें लगा देने हैं इन दोनों को, फिर इनको हमें टाइट कर देना है ऐसे करके। यहाँ पर हमने यहाँ पर भी लगाना है ऐसे, इसे टाइट से कसना है ताकि ये अलग ना हो। अब यहाँ पर हम इन नट बोल्ट को टाइट कर देना है ताकि ये एलिमेंट है यहाँ से इससे अलग ना हो। इसमें यहाँ पर हमने इसे फिक्स कर दिया है और इसको भी हमें टाइट करना है। यहाँ पर इसे हमने टाइट कर लिया है गैस। अब हमें एक लकड़ी का पीस लेना है जो हमें यहाँ पर ऐसे सेट कर सकें उसे। तो गैस यहाँ पर हमें एक लकड़ी का ऐसा पीस लेना है गैस और इसे यहाँ पर करके ऐसे यहाँ पर टांगना है ऐसे। तो यहाँ पर हम इसमें मार्क कर लेते हैं और एक यहाँ पर छोटा सा एक कर लेते हैं होल ताकि इसे हम यहाँ पर टाइट कर सकें। और यहाँ पर हम एक होल कर लेते हैं और इस पेच से यहाँ पर इसमें टाइट कर देते हैं। देख सकते हैं गैस यहाँ पर हमने इस पेच से यहाँ टाइट कर दिया है। अब यार गैस यहाँ पर हम इसे फिक्स कर देते हैं। आप गैस यहाँ चाहो तो यहाँ पर कील से भी सेट कर सकते हैं, फेविक्विक से भी सेट कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर ग्लू गन से सेट करने वाले हैं। आपके पास ग्लू गन ना हो गैस तो आप कील से भी यहाँ पर सेट कर सकते हैं इसे। आप अपने हिसाब से इसे किसी भी चीज़ से चिपका सकते हैं और इसे हम यहाँ पर ऐसे करके सेट कर देते हैं। तो गैस यहाँ पर इसे ऑन ऑफ करने के लिए हमें बैड स्विच लगाना है यहाँ पर, तो इसको हम ओपन कर लेते हैं। इस बैड स्विच को हमें लगाना है गैस। आप लोग सिंगल चिटकनी भी लगा सकते हैं। तो गैस हमें ऐसा एक कॉपर का वायर लेना है, देख सकते हैं आप, कोई सा भी ले सकते हैं, आप अपने हिसाब से भी ले सकते हैं गैस। एक वायर को गैस यहाँ पर हमें इसमें डायरेक्ट ही लगा देना है। एक यहाँ पर हमें एक इसमें डायरेक्ट लगाना है। यहाँ से गैस 220 वोल्टेज यहाँ पर अंदर इसमें जाएंगे तब ये हीट होगा। इसको करके एकदम से यहाँ पर फिक्स करना है टाइट से। एक वायर गैस यहाँ पर लगाना है, दो इसमें ऑप्शन आते हैं चिटकनी में, एक इसका यहाँ पर डायरेक्ट इसमें लगा दिया जो हमारा एलिमेंट का वायर था ये, और एक वायर यहाँ पर लगा देना है जो हमने अलग से डोरी लगाई हुई है। इसको हम यहाँ पर इसमें फिक्स कर देते हैं। अब हम इससे ऑन ऑफ कर सकते हैं जो गैस यहाँ पर हमने इसमें ज्वाइंट दिया है। यहाँ पर हम लगा देते हैं एक टैप, यहाँ पर देख सकते हैं इसमें हमने टैप कर दिया है। अब हम इसको कर देते हैं अंदर से पैक, इसे हम यहाँ से ऐसे करके इसमें पैक करना है। यहाँ पर हमने इसे टाइट कर दिया है। अब गैस यहाँ पर हम इसको चिपका देते हैं ग्लू गन से। ऐसे करके इसमें हम यहाँ पर इसे सेट कर दिया। देख सकते हैं गैस यहाँ पर एकदम से ये सेट हो चुका है। अब गैस इसकी हम करते हैं टेस्टिंग, देखते हैं ये कितनी देर में हीट होता है। गैस यहाँ पर हमने इसमें 220 वोल्टेज ऑन कर दिए हैं। अब हम इसको स्विच को ऑन कर देते हैं गैस ताकि यहाँ पर एकदम से ये हीट हो जाए। गैस अब इसमें थोड़ा 10 से 5 मिनट लगेंगे इसमें हीट होने में। जो गैस इसको पहली बार जब इसे ऑन करोगे यहाँ पर इस मशीन को, तो यहाँ पर इसका जो एलिमेंट ये लगा हुआ है गैस ये हीट होगा, तो इसमें से थोड़ी सी स्मेल भी आएगी और इसमें से थोड़ा धुआं भी निकलेगा क्योंकि ये जो एलिमेंट है ये जलेगा। तो इससे घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें ये हर एलिमेंट में ऐसा होता है गैस। तो ये हीट हो चुका है गैस। अब हम इसमें डालते हैं, ये देख सकते हैं ये है रंगा, यहाँ पर हम इसमें थोड़ा करके इसमें डालेंगे। ये देख सकते हैं इसमें दुअर चिगर चौर करके इसमें हम थोड़ा थोड़ा डालने वाले हैं। तो यहाँ पर हम इसमें ऐसे करके डालेंगे, थोड़ा थोड़ा ये पिघलेगा यहाँ पर।
देख सकते हैं ये इसमें पिघल चुका है एकदम से। और गैस अभी इसमें कम है, थोड़ा और इसमें डाल देते हैं। ये देख सकते हैं गैस थोड़ा और रंगा लिया हुआ है हमने, थोड़ा इसमें हम और डालेंगे। देख सकते हैं ये काफ़ी एकदम से हीट दे रहा है और ये यहाँ पर इसमें धुआं भी निकल रहा है, तो इसे भी हम यहाँ पर ऐसे पकड़ के इसमें डाल देंगे। ये भी देख सकते हैं एकदम से पिघल चुका है, थोड़ा और डाल देते हैं इसमें। ये पहली बार जो गैस ये चल रहा है इसलिए ये धुआं दे रहा है गैस, जो इसमें ऑयल होता है वही ये धुआं दे रहा है गैस। ये देख सकते हैं ये भी इसमें चला गया और ये भी पिघल चुका है गैस। अब ये हमारा रेडी हो चुका है चलने के लिए। यहाँ पर देख सकते हैं ये हमने एक कॉपर का वायर लिया हुआ है गैस, ऐसे करके इसे चलाना है। इसमें आप टांका लगा सकते हो, एकदम से इसमें डालना है और इसमें 2-3 सेकंड इसमें डाल के रखना है, एकदम से इसमें टांका लग के आ जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं गैस एकदम से इसमें रंगा लग के आ चुका है, एकदम से बढ़िया से इसमें रंगा लग चुका है गैस। जिस भाई के को यहाँ पर रंगा मशीन चलाना नहीं आता है, आयरन मशीन नहीं चलाना आता है गैस, तो ऐसे इसे बनाकर यूज कर सकते हो। बस इसमें अंदर ऐसे डालना होता है और एकदम से अच्छे से इसमें टांका लग के बाहर आ जाएगा गैस। और इस साइड भी हम आप लोगों को दिखाएंगे, इस साइड भी इसमें हम वायर इसमें डालेंगे तो इसमें भी इसमें एकदम से टांका लग के बाहर आएगा। देख सकते हैं एकदम से इसमें हमने डाला और 2 से 3 सेकंड इसमें लगते हैं, एकदम से सोल्डरिंग एकदम से बढ़िया से इसमें हर जगह पे इसमें सोल्डरिंग हो जाती है गैस। तो गैस अब हम यहाँ पर 2 वायर लेंगे, 2 वायरों को ऐड कर इसमें फिर डाल कर दिखाएंगे आप लोगों को। यहाँ पर देख सकते हैं इन 2 वायरों को हमने यहाँ आपस में हिला लिया है और इनको ऐड दिया है। अब हम इसको अंदर इसमें डालेंगे, देख सकते हैं इसमें भी एकदम से अच्छे से इसमें सोल्डरिंग होके बाहर आ चुका है। देख सकते हैं काफी मस्त एकदम से इसमें सोल्डरिंग हुआ है, जो एकदम से मशीन से एकदम सोल्डरिंग होता है, जो आयरन मशीन एकदम से सोल्डरिंग नहीं कर पाती है, जो इस मशीन से हो रहा है। तो गाइस यहाँ पर हम इसमें कट करके दिखाते हैं, देख सकते हैं अंदर तक एकदम से इसमें कॉपर भरा हुआ है, काफी बेस्ट एकदम से इसमें रंगा लगा हुआ है, एकदम से सोल्डरिंग एकदम से अच्छे से हुई है, इसमें सोल्डरिंग काफी मस्त इसमें सोल्डरिंग मशीन ये काम कर रही है हमारी। देख सकते हैं गैस जिस भाई को आयरन मशीन चलाना नहीं आता है गैस, तो ऐसी मशीन बनाकर यूज कर सकते हो। इसे हर कहीं पर भी इसे ले जा सकते हो और कहीं पर कोई भी जगह पर इसे टांका लगा सकते हो। देख सकते हैं एकदम से अच्छे से इसमें आयरन मशीन से एकदम से टांका लगा हुआ है, काफ़ी मस्त ये मशीन काम कर रही है गैस। तो हमारी मशीन गैस आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में लिखकर ज़रूर बताना गैस। देख सकते हैं एकदम से इसमें फिनिशिंग से अच्छे से इसमें टांका लग चुका है गैस। तो गैस इसमें जितना आयरन मशीन में इसमें हमने डाला हुआ है, जो रंगा इसमें डाला हुआ है, वो इसमें गैस बार बार आपको डालना नहीं पड़ेगा, एक बार इसमें भर देना है, आपका वही काम में आता रहेगा। जब गैस इसमें कम हो जाए तब इसमें आपको डालना है, जब गैस इस मशीन को आप बंद कर दोगे तो ये यहीं पर रहेगा, इसमें सूख कर भरा रहेगा गैस। और गैस यहाँ पर जब ख़त्म हो जाए तब इसमें डालना है गैस। काफ़ी बेस्ट ये बनाकर दिखाई हुई है गैस, ये आयरन मशीन आप भी बना सकते हैं गैस। तो गैस हमारी किट सोल्डरिंग मशीन आप लोगों को कैसी लगी, जो गैस हमने आप लोगों को बढ़िया सा प्रोडक्ट बनाकर दिखाया हुआ है गैस। जिस भाई को कईया मशीन आयरन मशीन चलाना नहीं आता है गैस, तो इस मशीन को बनाकर आप यूज कर सकते हो, काफ़ी बेस्ट बनाकर दिखाई हुई है आप लोगों को, काफ़ी बढ़िया से ये रंगा लगा देती है आपके वायर में, आप ऐसी बनाकर यूज कर सकते हो गैस। जो भाई मैकेनिक हैं, जिसके पास मैकेनिक का काम है गैस, उस मशीन उसके लिए ये मशीन काफ़ी बेस्ट है गैस, बहुत बढ़िया ये बनाकर दिखाई है गैस, ऐसी बनाकर आप भी यूज कर सकते हो गैस। अगर हमारे चैनल पर आप लोग गाइस नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा देना गाइस। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गाइस नमस्कार।